हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में चैप्टर ठोस अवस्था से हम एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है स्टाइकियोमेट्रिक दोष, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दोस्तों, आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने दोष क्या होते हैं इसको पढ़ा था, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस में दोष क्या होते हैं या इसको हम अपूर्णताएं भी क्या होती हैं इसकी परिभाषा को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और साथ साथ हमने क्रिस्टलों में जो दोष होते हैं इनके प्रकारों को भी पढ़ा था, जहाँ पे एक प्रकार हमने पढ़ा था बिंदु दोष, और बिंदु दोष में हमने तीन प्रकार देखे थे जिसमें एक प्रकार था स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो आप कह सकते हैं स्टाइकियोमेट्रिक दोष एक प्रकार का बिंदु दोष है। आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पिछली वीडियो को जरूर देखें, तभी ये वीडियो आपको और बेहतर से समझ में आएगी। आपकी सुविधा के लिए पिछले वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम स्टाइकियोमेट्रिक दोष को परिभाषित करेंगे और फिर उसकी परिभाषा को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए पहले परिभाषा लिखते हैं। तो हम लिखेंगे वे बिंदु दोष जिनमें यौगिक की स्टाइकियोमेट्री विक्षुब्ध नहीं होती है स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। ये है स्टाइकियोमेट्रिक दोष की परिभाषा। अब इसको हम समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक ठोस यानी कि एक क्रिस्टल को लिया है, और यहाँ पे ये क्रिस्टल NaCl का है। आपको यहाँ पर इसके आयन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि NaCl एक आयनिक ठोस होता है। यदि इस समय हम देखें तो इस समय इस क्रिस्टल में सभी अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान पर हैं, अर्थात यहाँ पर अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था देखने को मिल रही है, या आप कहें कि इस समय क्रिस्टल में कोई दोष नहीं है। और इस समय हम एक काम यहाँ पे करेंगे कि हम गिनेंगे कि यहाँ पे सोडियम आयन कितने हैं और क्लोराइड आयन कितने हैं। तो हम देखते हैं Na प्लस की संख्या 10 है और Cl माइनस की भी संख्या 10 है। अब इन दोनों का यदि हम अनुपात निकालेंगे तो हम लिखेंगे Na प्लस अनुपात Cl माइनस बराबर 10 अनुपात 10, और इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमको अनुपात मिलेगा 1:1 का। यानी कि आप कहें कि जब ये क्रिस्टल अपनी आदर्श अवस्था में, अपनी आदर्श व्यवस्था में है, तो इसमें Na प्लस और Cl माइनस का अनुपात है 1:1 का। अब मान लीजिए कि इस क्रिस्टल में कुछ अपूर्णताएं या कुछ दोष उत्पन्न होती हैं, और इन दोषों में कुछ Na प्लस और कुछ Cl माइनस इस क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, ये Na प्लस चला गया बाहर और यहाँ से एक Cl माइनस भी बाहर चला गया। अब आप देख रहे हैं क्रिस्टल की जो आदर्श व्यवस्था थी वो बिगड़ गई है, यानी कि अब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो चुका है। अब दोष उत्पन्न होने के बाद जब हम Na प्लस और Cl माइनस की संख्या देखते हैं तो यहाँ पे संख्या मिलती है Na प्लस की 9 और Cl माइनस की 9, क्योंकि एक Na प्लस को हमने यहाँ पे बाहर किया है और एक Cl माइनस को बाहर किया है, इसलिए 10 से संख्या अब आ जाएगी 9 पर। अब यदि हम अनुपात निकालें Na प्लस Cl माइनस का तो होगा 9:9, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस का अनुपात हमको मिलेगा 1:1। अर्थात यह दोष कुछ ऐसा था कि दोष उत्पन्न होने के पहले भी क्रिस्टल में अवयवी कणों का अनुपात, या आप कहें स्टाइकियोमेट्री, इसी अनुपात को आप स्टाइकियोमेट्री भी कहते हैं। तो स्टाइकियोमेट्री दोष उत्पन्न होने के पहले भी वही थी, और दोष उत्पन्न होने के बाद भी स्टाइकोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, स्टाइकोमेट्री विक्षुब्ध यानी कि बिगड़ती नहीं है, तो ऐसे दोषों को हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक दोष, जो कि आपने परिभाषा में अभी लिखा था कि वे बिंदु दोष जिससे क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री विक्षुब्ध नहीं होती है स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। तो यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री विक्षुब्ध यानी कि बिगड़ नहीं रही है, इसलिए इसको हम स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहेंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे बात करेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक दोष ताप बढ़ाने पर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन लिखा है, ताप बढ़ाने पर स्टाइकियोमेट्रिक दोष बढ़ते हैं।
अतः स्टाइक्योमेट्रिक दोष को उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कई बुक, कई साइड बुक में आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार का दोष होगा, मतलब बस स्टाइकोमेट्रिक दोष की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि क्रिस्टलों में जो दोष होते हैं वे ताप बढ़ाने पर बढ़ते हैं, और इसलिए जो क्रिस्टलों में दोष होते हैं उसको उष्मागतिकी दोष कहते हैं, तो वो भी सही है। लेकिन हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में स्टाइकोमेट्रिक दोष को ही उष्मागतिकी दोष कहा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ताप बढ़ाने पर स्टाइकोमेट्रिक दोष बढ़ते हैं, इसलिए स्टाइकोमेट्रिक दोष को उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा जब हम यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक दोष के प्रकारों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम स्टाइकोमेट्रिक दोष के प्रकार। तो स्टाइकोमेट्रिक दोष चार प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार है रिक्तिका दोष, दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे अंतराकाशी दोष, तीसरा फ्रैंकल दोष और चौथा साटकी दोष। अब इन चारों को सीरियल वाइज हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे, और इस क्रम में पहले हम बात करेंगे रिक्तिका दोष को लेकर। रिक्तिका दोष को इंग्लिश में हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। चलिए अब इसको समझते हैं और इसके बाद इसको हम लिखेंगे। इसको समझने के लिए देखिए, यहां पर हमने एक क्रिस्टल लिया है। अभी यदि आप क्रिस्टल को देखें तो आप देखेंगे सभी अवयवी कण अपने निर्धारित या अपने रेगुलर पैटर्न में हैं, तो इसलिए ये कण जो है, सॉरी, ये जो व्यवस्था है एक आदर्श व्यवस्था है, अर्थात अभी इस क्रिस्टल में कोई दोष नहीं है। मान लीजिए किसी कारण से यदि इसके कुछ अवयवी कण यहाँ से बाहर चले गए, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक अवयवी कण को हमने बाहर किया, तो जैसे ही अवयवी कण यहाँ से बाहर चला जाएगा इसके स्थान पर एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाएगा, और इसलिए इस दोष को हम कहते हैं रिक्तिका दोष। आप नाम से भी रिलेट कर सकते हैं, रिक्तिका दोष मीन्स ऐसा दोष जिसमें रिक्त स्थान बने, और रिक्त स्थान कब बनेगा, जब अवयवी कण क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लिखते हैं कि क्या लिखेंगे हम इसके बारे में। जब किसी क्रिस्टल जालक में कुछ जालक स्थल रिक्त हो, अर्थात अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए, तो इससे उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे रिक्तिका दोष के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रिक्तिका दोष से ठोस का घनत्व कम हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। आप घनत्व की परिभाषा जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। जब यहां से ये कण बाहर गया है तो इसके बाहर जाने से इस ठोस के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन इस कण के बाहर जाने से ठोस का द्रव्यमान कम हुआ है, और यहां से आप देख रहे हैं घनत्व और द्रव्यमान एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, यानी समानुपाती हैं, तो जब द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी घट जाएगा। या फिर इस फार्मूले के अलावा भी आप समझ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे बीच में जब कण होता तो यहाँ पे ये काफ़ी घना दिखाई देता, और यहाँ पे जब खाली स्थान बन गया है तो यहाँ पे घनत्व में कुछ कमी देखने को मिलेगी, यानी कि रिक्तिका दोष से ये ठोस का घनत्व कम हो जाता है। अब क्वेश्चन है कि रिक्तिका दोष उत्पन्न कैसे होते हैं। तो प्रायः यह देखा जाता है कि पदार्थ को गर्म करने पर रिक्तिका दोष उत्पन्न होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब ठोस को गर्म करेंगे तो स्टाइकोमेट्रिक दोष उत्पन्न होने लगते हैं या फिर उनकी संख्या बढ़ने लगती है। तो वही बात है कि जब हम इस ठोस को गर्म करेंगे तो इसके कण जो होंगे वे अपने निर्धारित स्थान से बाहर चले जाएंगे और इनकी स्थानों पर रिक्तिकाएं उत्पन्न होंगी, अर्थात रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाएगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अंतराकाशी दोष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरस्टियल डिफेक्ट। तो यहां पर भी आप नाम से रिलेट कर सकते हैं। यहां पर अंतराकाश का मतलब है कि जो अवयवी कणों के बीच का जो स्थान होता है जिसको आप रिक्तिकाएं कहते हैं, जैसे आपने त्रिकोणीय रिक्तिका, चतुष्फलकी या अष्टफलकी रिक्तिका पिछले पार्ट्स में पढ़ी है, उसी प्रकार की रिक्तियों की यहां पे बात हो रही है।
तो पहले इसको परिभाषित करते हैं। जब कुछ अवयवी कण परमाणु अथवा अणु अंतराकाशीय स्थल पर पाए जाते हैं तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतराकाशीय दोष है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्रिस्टल दिखाया गया आपको, यहाँ पर देखिए सभी जो कण हैं वे अपनी आदर्श व्यवस्था में हैं, यानी कि अभी इस क्रिस्टल में कोई दोष नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अवयवी कण हैं इनके मध्य में कुछ स्थान हैं, इन स्थानों को हम कहते हैं अंतराकाशीय स्थान। यदि बाहर से कुछ अवयवी कण इस अंतराकाशीय स्थानों में आ जाएंगे तो आदर्श व्यवस्था बिगड़ जाएगी और इस तरह से जो दोष उत्पन्न होगा इसको हम कहेंगे अंतराकाशीय दोष। यानी कि जब कुछ बाहरी कण अंतराकाशीय स्थल पर आ जाते हैं तो जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं अंतराकाशीय दोष। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि अंतराकाशीय दोष से पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है। आप देखें तो यहाँ पे कण जब बीच में आ गए हैं तो ये आपको थोड़ा घनत्व बढ़ा हुआ दिख रहा है। या फिर आप इसको इस सूत्र से भी समझ सकते हैं कि जब बाहर से कण आएंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा और जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि अंतराकाशीय दोष क्या होता है। अब यदि हम बात करें कि जो रिक्तिका दोष है और अंतराकाशीय दोष है, ये दोनों दोष प्रायः अनआयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। तो जो स्टाइक्योमेट्रिक दोष की ये दो प्रकार थे जिसमें एक था रिक्तिका दोष और दूसरा था अंतराकाशीय दोष, ये दोनों प्रायः अनआयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। और जब आयनिक ठोसों की हम बात करेंगे तो उसमें बाकी के जो दो प्रकार थे जो थे फ्रेंकल दोष और शाटकी दोष वो पाए जाते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंकल दोष को। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको लाभ होगा। वीडियो से यदि आपको लाभ होता है, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि इससे दूसरे किसी को भी लाभ हो सकता है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।